कई लोगों ने इच्छा जाहिर किया है कि जो कल हमने थोड़ा सा संक्षेप में बताने का प्रयास किया था कि महातार बाबा ने सनातन धर्म और क्रिश्चियनिटी के बीच में यूनिटी की बात क्यों कही और भी अनेक चीज़ें हैं जैसे यहूदी धर्म है और पूरी दुनिया में गौतम बुद्ध की शिक्षा है जिसको बुद्धिज्म कहते हैं लेकिन है वो हिंदुज्म ही हिंदू धर्म को ही लोग बुद्धिज्म कहते हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है जैनिज्म भी वही है सनातन धर्म हिंदू धर्म बुद्धिज्म जैनिज्म कबीर साहब की शिक्षा गुरु नानक देव जी की शिक्षा संत रविदास सब एक ही है अलग अलग नहीं है उसमें जो सबसे जो अच्छा नाम आता है उसको कहते हैं जो इटरनल हो जो हमेशा हो जो इटरनल होता है इसी को सत तत्व कहते हैं सत्य की जो पहले भी था आज भी है आगे भी रहेगा इसी को हिंदी में शाश्वत कहते हैं इसी को अमर कहते हैं अंग्रेजी में इमोठल कहते हैं और ये इटर्नल की हिंदी सनातन जितने भी प्रॉफिट आए सब लोगों ने यही समझाया है लेकिन जो समझने वाले उसको समझ नहीं पाए तो अलग अलग दिखाई पड़ा अलग अलग समझ में आया जैसे लाड बुद्धा ने क्या कहा वही जो सनातन धर्म है उन्होंने एक का अस्तित्व माना हम सब उसी के संतान हैं और कैसे पता चलेगा जब गौतम बुद्ध ने कहा कि सम्यक सम्यक कर्म ऐसे सम्यक वाणी सम्यक कर्म ये सब चीज ये सम्यक क्या होता है सम्यक का अर्थ लोग तरह तरह से इतने प्रकार से लगाते हैं कि वो चीज़ें दिक्कत हो जाती है इसे जो अर्थ लगाइए उस पर चलिए आप खुद अभ्यास करिए अगर आपकी वाइटलिटी बढ़ती है इम्यूनिटी बढ़ती है शांति बढ़ती है अगर पता चलता है कि नहीं आप जो जानते थे उससे और महान है साथ ही साथ और भी सभी महान है केवल हम ही नहीं तो जो भी कर्म करते उसको सम्यक कर्म कहते हैं इसी को जब सम्यक कर्म करते हैं है, तो क्या होता है अपने ही अंदर सात ज्ञान के दीपक जलते हैं ये शाम ये जो सात ज्ञान के दीपक हैं जो जलते हैं ये कैसे होता कहाँ दिखाई पड़ते उनका क्षेत्र कौन सी जगह कौन सी है वो जगह ये है इसी क्षेत्र को चर्च कहते हैं इसी चर्च में ये साथ दीपक हैं ये ज्ञान के और यह सम्यक कर्म करने पर सम्यक वाक सम्यक वाणी सम्यक सुनना सम्यक आहार ठीक से खाना पीना खाइए इसी को देखिए बाइबिल में क्या कहा गया है बुद्धिज्म और बाइबिल में कितनी समरूपता है ही हैड इन his राइट हैंड सेवन स्टार्स जो सात दीपक हैं जब पूरी तरह से प्रकाशित होते हैं तो तारा के रूप में दिखाई पड़ते हैं तारा कैसे ये देखिए तारा ये तारा है क्या ये सिर दो हाथ दो पैर ये शरीर ज्ञान के रूप में प्रकट होता है पहले टिमटिमाता हुआ ज्ञान था हाँ ज्ञान है लेकिन पूर्ण ज्ञान है तब जब ये तारा के रूप में प्रकट होगा तो एक दो तीन चार पांच छ सात सेवन स्टार्स ये कब होगा राइट हैंड लोग सोचते क्या है कि राइट हैंड का अर्थ यह है कि दाहिने हाथ में जब रिश्वर करते हैं पूरी दुनिया में जीसस क्राइस्ट के शिक्षा का तो दाहिने हाथ में तारा लेके चलते हैं जैसे अपने दीपावली दीपावली मनाते हैं भाई राम के आगमन में दीपावली होती है तो राम का आगमन क्या है विष्णु की शक्ति का आगमन कहाँ होगा पहले तो अपने अंदर हम चाहते हैं। जब अहिंसा की शक्ति का आगमन होता है तो दीप मालिका दीप जलते हैं तो दीपावली में मैं दिखे सात कोसा जलाया जाता है साथ में एक बड़ा होता है इस तरीके से ध्यान दीजिए कि ये जो गौतम बुद्ध की शिक्षा है वही बाइबिल की शिक्षा है ऐसे भी समय नहीं है अगर हम आपको स्पष्ट करें तो गुरु नानक देव जी की शिक्षा भी वही है उन्हीं की शिक्षा बाइबिल में है संत रविदास की शिक्षा बाइबिल में है कबीर साहब की शिक्षा बाइबिल में है जिसको सनातन धर्म कहते हैं उसकी सारी शिक्षा बाइबिल में है थमे के ही एक लाल बुद्धा का बुद्धा विष्णु के अवतार हैं उनके एक चीज को स्पष्ट कर रहे हैं बस बाकी का समय नहीं है बाकी अभ्यास करिए खुद आपको अंदर से ज्ञान प्रकट होगा तो ठीक है अब हम लोग सम्यक कर्म करेंगे राइट राइट पाथ क्या है दाहिना हाथ नहीं है राइट का मतलब ठीक ठीक तो ये ये क्या है ये ये हाथ क्या है कहेंगे बाया नहीं राइट कर्म इससे भी करिए राइट कर्म इससे भी करिए सही काम इस हाथ से भी करिए सही काम इससे भी चलिए सही कदम दोनों पैरों से चलिए ये इसका अर्थ है इसे लाढ़ी महाशय ने कहा है कि कुछ भी जानने के लिए क्रियायोग का सहारा लीजिए जब क्रिया को सहारा नहीं लेंगे तो ये समझ में नहीं आता बाइबल क्या है गीता क्या है महाभारत क्या है रामायण क्या है कबीर साहब की शिक्षा गुरु नानक देव जी की शिक्षा संत रविदास ने क्या शिक्षा दिया ये कन्फ्यूजन में रहेंगे हम इस याद रखिए कि जो सारी शिक्षाएं हैं ये लाल बुद्धा की महावीर स्वामी की चौबीस तीर्थकर की कबीर साहब गुरु नानक देव जी इन सब की शिक्षा भगवान राम की कृष्ण की ये सब वही शिक्षा जिसको सनातन धर्म कहते हैं उधी को हिंदुइज्म कहते हैं ये अलग अलग नहीं है लेकिन चूंकि क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में बहुत विस्तार से फैली है और क्रिश्चियनिटी को ठीक नहीं समझते यहाँ तक कि लास्ट सफर जब मनाते हैं तो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि ये जो ब्रेड खा रहे हो ये हमारी मांस है और जो शराब पी रहे हो हमारा खून है ऐसा नहीं हुआ था शराब में देखिए एक हाला क्या चर्चा आया है हाला का मतलब होता आध्यात्मिक शराब जब अभ्यास करिए और, और चल ना पाइए जब परमस योगानंद अमेरिका से भारत आए थे देखिए कैसे चल रहे थे ऐसा चल रहे थे रहा था कभी गिर जाएंगे जैसे एकदम नशे में हो लाड़ी वहां से चलते थे जैसे एकदम नशे में हो तो वो नशा कौन थी उस नशे की चर्चा है लास्ट सफर में वो नशा जीसस क्राइस्ट ने पीने के लिए कहा था जिसको आध्यात्मिक जागरण कहते हैं इसीलिए स्वामी को महातार बाबा ने ये कहा कि जो सनातन धर्म है और जो बाइबिल है क्रिश्चियनिटी है अगर दोनों के बीच में एकता स्थापित करने के लिए कोई सदग्रंथ लिखे इससे पूरी दुनिया एक हो जाएगी जब तो सभी देश जुड़ जाएंगे तब क्या होगा हमको जब जुड़ना है तो हम राइफल लेके क्यों चलेंगे बंदूक लेके क्यों चलेंगे पिस्टल गन लेके क्यों चलेंगे ये सब बनाया क्यों जाएगा हमको तो जोड़ना है ना, तो वेपन क्यों बनाया जाएगा मिसाइल क्यों बनेगी एटॉमिक बम क्यों बनेगा बनेगा ही नहीं इसे ये होली साइंस का लक्ष्य है जब आप इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जितने प्रकार के शिक्षा है भगवान राम ने दिया भगवान कृष्ण दिया उनके पहले जिसने दिया उनके बाद जिसने दिया सारे पैगंबरों की शिक्षा क्या है वही सनातन धर्म है उसे को हिंदुज्म कहते हैं लेकिन चूंकि जीसस क्राइस्ट बहुत कम समय में 12 वर्ष की उम्र से लेकर के 30 वर्ष तक ये पता नहीं चला कहाँ थे ये इस बाद अचानक 30 वर्ष में प्रकट होते हैं और तीन वर्ष के अंदर पूरा सनातन धर्म पश्चिम में फैला दिया जैसे आंधी की तरह इतना तेज फैलाए कि लोग हड़हड़ा गए जितने लोग मूर्ति पूजक थे जो गलत प्रकार की साधना करते थे वो घबरा गए वो और इनके जो शिष्य थे इतना तेज ये सेवा कार्य कर रहे थे कि इनके शिष्य लोग इनको पकड़ ही नहीं पा रहे थे इतना तेज चलते थे इतना काम करते थे कि बाकी लोग थक जाते थे और जितने लोग थे जो ईसा मसीह को देख करके घबराने लगे तो इनके शिष्य से खूब मीठी मीठी बातें कुछ उल्टा कहने लगे कहते हम लोग शास के लिए बुला रहे हैं कहते जी के करके हम लोगों से बात करें जब बात करने के लिए कहा गया और ये बोले कि नहीं देखिए हम ईश्वर के संतान हैं हम आए हैं प्रभु ने भेजा है उन्हें संदेश दे रहे हैं आपको इसके बाद हम चले जाएंगे कहते आप पाप कर रहे हैं आप ईश्वर के संतान कैसे हो सकते हैं तब इन्होंने कहा कि ये सब ईश्वर के संतान हैं फिर कहा कि देखिए जब मोजेस थे जीसस क्राइस्ट के पहले की शिक्षा उसमें भी यही कहा गया तो सुसामिक्वर्गी ने कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है देखिए ओल्ड टेस्टामेंट जैसे अपने नहीं संगीत होता भजन होता है ऐसे क्रिश्चियनिटी में भी एक संगीत भजन का दौर चला कुछ से प्रभु के नाम पर संगीत भजन करके उनमें भक्ति व्यक्त करते थे तो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में एक चैप्टर है इसके देखिए समी केस ने जिक्र किया है इसका 82 का पॉइंट सिक्स में क्या लिखा है लिखा है ए आर ऑल गॉड्स एंड ऑल ऑफ यू आर द चिल्ड्रेन ऑफ द मोस्ट हाई ये है ओल्ड टेस्टामेंट की बात जीसस के पहले की बात फिर जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं देखिए फिर न्यू टेस्टामेंट में जॉन आई सेड ए आर गॉड्स तो जीसस के पहले जीसस के बाद दोनों शिक्षाएं एक ही ऐसा स्वामी तेसरी की ताक्षा दे दिए हैं और यही अपने यहां क्या अहम ब्रह्मास्ट में हमारे ब्रह्मा के बीच में दूरी नहीं है जब हमारे ब्रह्मा के बीच में दूरी नहीं है तो ब्रह्मा के साथ एकदम विष्णु और शिव ऐसे ही हैं जैसे आग के साथ गर्मी हमारे ब्रह्मा विष्णु शिव और हमारे बीच में दूरी है ही नहीं यही शिक्षा तो जीसस क्राइस्ट ने दिया था लेकिन हमें इसके लिए करना क्या पड़ेगा सम्यक कर्म ठीक से काम करे ठीक से काम क्या होता है उसमें दिया गया है कि राम राज्य की चर्चा है ना अपने देश में राम राज्य राम राज्य की स्थापना इसका क्या अर्थ है फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनेगी कि भाजपा की नहीं बनेगी कि सपा की कि बसपा की तो राम राज्य क्या भगवान राम आएंगे इलेक्शन लड़ने नहीं ये नहीं इसका अर्थ राम राज्य का अर्थ है किंगडम ऑफ गॉड अहिंसा का राज्य पूरे पृथ्वी पर अहिंसा का राज्य इसको राम राज्य कहते हैं राम है विष्णु के अवतार भगवान राम को विष्णु का अवतार कहा गया है भगवान विष्णु का काम क्या है हर चीज की रक्षा करना इसी को अहिंसा कहते हैं अहिंसा का राज्य हो अहिंसा का राज्य कैसे होगा होली साइंस अगर आपको समझ में आ गया कैसे समझ में आएगा पढ़ने से नहीं आएगा जब प्रैक्टिस देते हैं प्रैक्टिस करिए जब समझ में आ जाएगा तो पता चलेगा कि राइट जो सम्यक कर्म क्या है हम आंखों से देखें तो क्या देखें जो गुरुदेव ने कहा है कि परब के अलावा कुछ भी नहीं है आप जो कुछ भी हो हमारी मन बुद्धि आपको मानती का आप बिल्कुल गड़बड़ है लेकिन कोई बात नहीं जैसे एक सोना है गोल्ड है पता चला कि इस सोने को कोई पतला करके एक कीला बना दिया आप जा रहे तो उस पर हम चढ़े कीला चुभ गया आर पार हो गया बहुत खून निकला पक भी गया एंटीबायोटिक्स खाए तो ठीक हुआ लेकिन था तो सोना ही उस सोने के पिघला करके आप पिंड बना लीजिए कुछ भी कर लीजिए ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो बहुत गलत दिखाई पड़ता है आप याद रखिए कि जिस दिन चाहेगा रूपांतरित हो जाएगा वो तो प्रॉफिट हो जाएगा इसे अगर हम गलत को बार बार गलत कहेंगे हम तो गलती और करेगा वो इसको याद रखिएगा तो हमें करना क्या है हमें सम्यक कर्म करना है आंखों से देखें तो कैसे देखें सब देखें कि तो परबम इस रूप में है ऐसे कहने से नहीं होगा पहले अपने हाथ को देखिए क्या परबम वाला हाथ है कह दे है लेकिन अंदर से नहीं मान पाएंगे हम ये दोनों पैर परबम के पैर है कह तो दे अंदर से मानेंगे नहीं तब तो करें क्या हम सच जानने के लिए से प्रेम करिए प्रेम कैसे करें प्रेम का एक ही तरीका है कि अगर आप, आपने कभी प्रेम किया हो अपनी माँ को छोटे होने पर वही हमारी माँ ही हमारी ब्रह्मा है विष्णु है शिव है काली है दुर्गा है सब है उनके अलावा कुछ है ही नहीं छोटे बच्चे से पूछिए चाहे माँ भिखारी ही क्यों ना हो बच्चा वहीं बैठेगा राजा की गोद में नहीं जाएगा ऐसे अगर आपको कुछ याद हो किसी को आप मानते हो तो आप याद रखिए जैसे परम योगानंद स्वामी सौगरी को प्रेम की स्वामी तश्वर गिरी ने परमहंस की उपाधि दिया परमहंस का अर्थ है कि ऐसा संत ऐसा प्रॉफिट ऐसा अवतार जो एक समय में अतीत वर्तमान भविष्य तीनों में रहे स्वामीश्वर गिरी ने यह भी कहा था कि अगर मैं मार्ग से भटक जाऊं कहीं संसार में उलझ जाऊं तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारे सिर कपड़े गोंद में रख करके फिर वापस लाना तो परम शिवगानंद की स्थिति को समझिए कितने ऊंचे थे तब भी अपने हर कार्यक्रम में उन्हें लगता था कि गुरुदेव ने मदद किया है कभी नहीं कहेगा हमने किया है ये क्या है ये प्रेम का प्रतीक है ये ऐसे जब आप किसी को प्रेम करेंगे तो जो कुछ अच्छा काम आपसे होगा उसी को से देंगे जबरदस्ती नहीं लगेगा कि उसकी वजह से हो रहा है और हमें लगता है हम तो जो कुछ कर पाते हैं आप सबका प्रेम है और आप सब मानते हैं हमको हाँ ठीक है चूँकि दो घंटे रहते हैं ना दिन भर रही तो पता चले तब हमें मानिए तो देखें दो डांट पड़े कि भागे हम डांटते वगैरह नहीं हमारा बुरा प्रचार है अमेरिका में कैनेडा में ऑस्ट्रेलिया में कि हम बहुत बिगड़ते लोग डर के मारे नहीं आते ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पत्ती नहीं तोड़ी जाती मच्छर नहीं मारे जाते तो हम आपका स्वागत नहीं करेंगे हाँ आपको मानते हैं कोई चीज़ होता कि आप गलत करेंगे इससे आपको तकलीफ होगी बीमारी होगी चिंता होगी तो हम आपको कड़ाई से कहते हैं हम कभी भी अंदर से गुस्सा नहीं होते हैं इसको याद रखिएगा अंदर से गुस्सा होंगे तो क्रिया क्लास नहीं ले पाएंगे तो सम्यक कर्म क्या है सी के किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट रामराज जी की खोज करिए कैसे करें रामराज जी की खोज कहां जाए भगवान राम को लाए के इलेक्शन लड़े हमारे प्राइम मिनिस्टर हो प्रेसिडेंट हों इसे ध्यान करिए तो समझ में आएगा और राम राज्य का अर्थ क्या है अहिंसा से जुड़ना तो कैसे जुड़ेंगे हम देखिए क्या लिखते हैं गुरुदेव कित्या भाग्यशाली का आपको ये सब चीजें मिल गई हैं हम भी भाग्यशाली आप ही नहीं देखिए वेरली वली आई से अन टू दी एक्सेप्ट मैन बी बोर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड हमको राम राज्य चाहिए ना किंगडम ऑफ गॉड चाहिए कैसे मिलेगा जब हम पुनर्जन्म ले पुनर्जन्म लेने क्या मतलब हम कूद जाए मर जाए फांसी लगा ले नहीं पुनर्जन्म लेने का एक तरीका है देखिए सभी लोग कलिकाल में निन्यानबे प्रतिशत निन्यानवे नाइन नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट सभी शूद्र होते हैं शूद्र की पहचान क्या है अरे हम जमींदार हैं हमारे पास सौ गांव है हमारे हाथी है घोड़ा है यह धन है हम खा पी करके खूब शरीर को मजबूत किए ये देखिए हमारा बाहुबल है ये शूद्र कहते हैं हमारी तलवार इसको कोई उठा ले तो जाने हमारा चेतक है घोड़ा है हमारी तलवार देखी ऐसे जितने लोग लड़ाई झगड़ा करके आगे बढ़ना चाहते हो सब शूद्र में आते हैं जो अत्यधिक संसाधन का उपयोग करते सब शूद्र में आते हैं हम कोई चीज रट लिए गीता रटे पूरा याद है रट करके हम चाहते हैं कि हम विद्वान हैं हम शूद्र हैं ज्ञान होता है अंदर से प्रकट होता है वैदिक ज्ञान अंदर से होता है हम पढ़ लिख करके हमने आइंस्टाइन को पढ़ा न्यूटन पढ़ा मेडिकल पढ़ा इंजीनियरिंग पढ़ा रट लिए रट करके पढ़ाते हैं कहते हैं प्रोफेसर हैं हम शूद्र हैं हम न्याय देते हैं कागज के ऊपर हमारे घर में झगड़ा हुआ दो भाई में एक चला गया थाने में एफ हो गई दूसरे भाई को पकड़ ले गए इंस्पेक्टर जी तो घर में झगड़ा के हुई इंस्पेक्टर साहब को क्या पता घर में माता पिता हैं, चाचा हैं चाची हैं भाई हैं बहन इनको पता होगा ना जिनको पता है कि झगड़ा क्यों हुआ सुलझाएंगे तो वो हमारे इंस्पेक्टर महोदय कैसे सुलझाएंगे तो इंस्पेक्टर आ कहां से गए अंग्रेजों ने लाया चलो फिर वहां से वकील साहब मिल गए चले गए कचहरी उन्होंने कहा कि अभी मैं ठीक करा देता हूँ वकील साहब को तीस हजार रुपया मैंने किराया देना था बच्चों की फीस देनी है माँ बीमार है उनको पता है कि केस में कुछ करा नहीं पाएंगे अगर केस छोड़ देंगे तो पैसा नहीं मिलेगा इससे झूठी केस ले लिए पैसा ले लिए अब जाते रहिए कचहरी दीवानी दस साल गए सलटा नहीं हाई कोर्ट गए ढाई लाख फीस दीजिए दोबारा पियर उन्हें फिर एक लाख दीजिए कहाँ पैसा है ये किसने बना दिया ये अंग्रेजों ने तो आप जो तंत्र चल रहा है क्या इससे देश होगा नहीं सम्यक कर्म करिए होली साइंस के अनुसार काम करिए सी के किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट हम राम राज्य को खोजे कहाँ मिलेगा आप देखिए इसमें हम तो इस किताब सोते हैं तो हमारे मेडला में गुदगुदी लगती पता है सूत नंबर सत्रह है गॉस्पिल में सत्तर नंबर के अगले पेज पर देखिए गंगा जीमुना जॉर्डन लिखा है फिर लिखा सेकेंड बर्थ सेकेंड बर्थ अब लिखा क्या है आई से एम टू दी एक्सेप्ट मी एक्सेप्ट ए मैन बी बॉन्न अगेन सेकेंड बर्थ ही कैन नॉट सी किंगडम ऑफ गॉड अब सेकेंड बर्थ होगा तो किंगडम ऑफ गॉड देखेंगे सेकेंड बर्थ को क्या कहा गया है सनातन धर्म द्विज जन्म तो जाए तो शूद्र जन्म से सब शुद्र है क्योंकि सबको चाहिए बढ़िया चॉकलेट बढ़िया आइसक्रीम बढ़िया मकान बढ़िया कारिमांड किसकी है मानव का वो रूप जो कलिकाल की बुद्धि में है डार्क हार्ट है शुद्ध है तब करें क्या हम तो शुद्ध हैं ठीक है भाई अब क्या करना है कोई दिक्कत नहीं हम अभ्यास करें सिर से पैर के उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ा करके स्वामी केस के अनुसार जो अनुभव कर रहे हैं ये परबह का साकार रूप है अभ्यास करिए करते करते पता चला माथे के सामने जो कुछ दिखाई पड़ा पता चला कि ये जो भी दिख रहा है हमें अरे ये हाथ तो उसी का बना है आपको एक समय आएगा कि माथे के सामने जो दिखते हैं लगेगा कि इसी तत्व से पूरा बना हुआ है फिर क्या लगेगा जो कान बंद करके सुनते हैं बिना बंद किए सुनाई पड़ेगा फिर पता चला सिर से पैर की उंगली तक ये तो हार मांस नहीं है फिर क्या पता चला अमदिज हो गए फिर आपको रामराज दिखाई पड़ेगा फिर पता चला तो रामराज देख लिए है अब रामराज में कैसे प्रवेश करें फिर इसी में लिखा हुआ है वेरली वेरली आई सेन टू दी एक्सेप्ट ए मैन बी बॉर्न ऑफ वाटर एंड स्पीट ही कैन नॉट एंटर इन टू किंगडम ऑफ गॉड यह सूत्र नंबर अट्ठारह गॉस्पिल का जब आदमी यह पता पाए कि हम वाटर और स्पिरिट से पैदा हुई है तीसरा लोग व्याख्या क्या की है जो गर्भ में एमनियाटिक फ्लूड होता है उसको वाटर कहते हैं उसमें जो आत्मा उसको स्पिरिट कहते है। हैं कहते हैं एमनियाटिक फ्लूड और आत्मा से पैदा हुई ये सब क्या है ये लॉजिकल व्याख्या है वाटर का अर्थ क्या है हम्बलनेस आप पानी हो जाइए कैसे पानी होगी किसी घर में महल था वहाँ भी रह लिए किसी घर में झोपड़ी था चद्दर भी नहीं था चारपाई भी नहीं थी नीचे सो लिए कोई अंतर नहीं आप पानी की तरह है किसी के यहाँ गए आपने खूब अच्छी तरह से आपको मेवा फल आदि खिलाया किसी के आगे सूखी रोटी मिली दोनों ही बराबर स्वादिष्ट लगे इस तरह से अपने को विनम् बना लीजिए कि हर प्रकार की परिस्थितियां लगे कि ये राम राज्य है अहिंसा का अनुभूति है और स्प्रिट क्या है प्रति पलग एक जो अनुभव करते अमरता अनुभूति है जब इतने विनम्र हो जाइए कि बड़ी कुर्सी बैठ गए थे हम बड़े हैं अरे यहां सिल्क पहन करके आए हैं अरे हमको देखा नहीं कोई एक जगह थे निमंत्रण मिला था लोगों को तो एक आदमी थे अंगूठी पहने थे बढ़िया सा तो जब पूरी परस रहे थे तैसे ऐसे अंगूठी दिखाते थे तो जो खाना खा रहा था कंगन पहना था तो ऐसे ऐसे को दिखाने लगा हो <laughs> मतलब हम कंगन से बड़े हैं अंगूठी से बड़े हैं ये क्या शुदृत है हम सोने चांदी से बड़े नहीं हो सकते हैं सिर से पैर के उंगली तक की अनुभूति अमरता की अनुभूति है और हम आपके घर में तो आपका घर वही स्वर्ग है हमारे लिए हम जंगल में हैं तो वही स्वर्ग है एयरपोर्ट पर है तो वही स्वर्ग है रेलवे स्टेशन पर हैं तो वही स्वर्ग है इस तरह से हम एक विनम्र हो गए हैं हम तब यह सिद्ध हो गया कि आई एम बॉर्न ऑफ वाटर एंड स्प्रिट फिर आई विल एंटर इंटू किंगडम ऑफ गॉड जब अंदर जाएंगे तो क्या होगा पंचकोशी परिक्रमा अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश ज्ञानमय कोश आनंदमय कोश पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर दिखाई पड़ेगा फिर तो पूछना क्या ये है सनातन धर्म का जो बाइबिल में वर्णन है इसलिए महातार बाबा जी परम ज्ञानी महातार अवतार के अवतार शुभ समय जान करके स्वामी तिर गिरी को कहा कि सनातन धर्म और क्रिश्चनिटी को एक सूत्र में बांधने के लिए एक सदग्रंथ लिखिए कहते तो बड़ा कठिन होगा कह नहीं मैंने जिसको कह दिया लिख लेता है जब मिले तो आलिंगन में इसी बटवे से नीचे गोंदी में पकड़ लिए आलिंगन कर लिए कहते बैठिए स्वामी जी कहते मैं स्वामी नहीं हूं कह जिसको मैंने स्वामी कह दिया उस पद को त्याग नहीं पाया कभी याद रखिए जिस दिन ये होली साइंस भारत के हर घर में समझ में आ गया उसी दिन विश्व के सभी राष्ट्र जुड़ जाएंगे उसी दिन एक ऐसी मीटिंग होगी विश्व में कब हथियार नहीं बनेगा उसी दिन मीटिंग होगी कि हम भारत में आईएएस आईपीएस नहीं चाहते हैं हम पुलिस बैरिस्टर नहीं चाहते हैं हम लोअर कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहते हैं हमारा न्याय घर में ही हो जाएगा जिस गांव में रहते वही न्याय होगा जहां पर रहते हुए हमें न्याय मिलेगा बाहर कौन न्याय देगा जो हमारे साथ रहता है वो देखेगा ना हम सही कह रहे हैं गलत ऐसा देश ऐसा हो जाएगा हमारे समय में आप चिंता ना करिए आप इतना में प्रेम करते हैं हम ना कर पाए तो सोच जी कि आपका प्रेम कम है तब तो, इससे और प्रेम करिए हमें कैसे प्रेम करेंगे चॉकलेट लाके नहीं और अभ्यास करिए हर काम करते हुए जो अनुभव हो अमरता अनुभूति कहिए विनम्र हो जाइए कोई भी काम करना झाड़ू लगाना हो या थाली धोना हो या खाना खाना हो या खिलाना हो हर प्रकार के कर्म लगे कि ये पावन कर्म है ये तब आपको समझ में आ गया होगा तेसरगिरी क्यों कहे ज्ञानातारी तारीख से कि सनातन धर्म और क्रिश्चियनिटी को लिए एक सदग्रंथ लिखिए तो कैसे लोग गलत समझते हैं रामराज की चर्चा होती है और रामराज की चर्चा राम की मूर्ति बना देने से नहीं होगा सिर से पैर की उंगली तक कि ये ये विष्णु की शक्ति उन्हीं का साकार रूप है आप भी उन्हीं के साकार रूप में है ये कैसा होता विष्णु की शक्ति उसी को अहिंसा कहते हैं अहिंसा लाइए सब सुरक्षित सुरक्षा की शक्ति को अहिंसा कहते वही है विष्णु की शक्ति वही है राम की शक्ति तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये किसी को समझ में ना आए चिंता ना करिए अभ्यास करने से समझ में आएगा इसको सुनने से तुरंत लगेगा समझ में आ गया बाहर जाते भूल जाएंगे इसे जब अभ्यास करेंगे खूब अभ्यास करते जाइए अभ्यास कितना सरल है कि सिर से पैर के उंगली तक इसी में एकाग्र हो जाइए और सम्यक दृष्टि अपने अनुभूतियों के प्रति सम्यक दृष्टि जो अनुभव करते ही संपूर्ण ज्ञान की साकार उपस्थिति है।, है यही सर्वशक्तिमान तत्व है यही परम शांति यही परम आनंद यही अमर तत्व है सब कुछ इसी में विद्यमान है यही तो अभ्यास करना है दोबारा में श्वास प्रश्वास के साथ हम एकाग्र हो जाए अपने स्वरूप में जो अनुभव करते हैं सर्वज्ञ तत्व का साकार रूप है ये सर्वशक्तिमान तत्व का साकार रूप है ये परम शांति है परम आनंद है क्रिया युग में अपनी भक्ति को नमन करें